अरे नबील क्यों शोर मचा रहे हो? माजी का है। अरे उसे बुलाना था तो उसे आवाज देते, मेरी नींद खराब क्यों की है भाई? माजी है कहाँ यार? माजी माजी। हाँ बोल। आपको शर्म नहीं आती? तुझसे क्या शर्म, तू तो मेरा भाई है। बेटा? हाँ मेरे भाई का बेटा है ना। माजी आपने रात को फ्रिज से दूध निकाला था, हमारा फ्रिज दूध देता है। माँ जी चांदी की फीडर फ्रिज में रखी थी और उसमें से दूध गायब था, चूहा पी गया होगा। माँ जी चूहा दूध नहीं पीता। हाँ तो फिर क्या, चाय पीता है? अरे तुम अपनी माँ पर दूध चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हो? सिर्फ दूध नहीं, इन्होंने मेरी बच्ची के पैंपर्स भी चुराए हैं। क्या? खबरदार, मैंने पैंपर चुराए नहीं है, पैंपर पहनाए हैं। किसको? तेरे भाई को। अब क्या तेरे भाई को पैंपर भी नहीं पहना सकती हूँ मैं? है अगर पहनाने हैं तो अपने मियाँ के पैसों से पहनाए ना, मेरे पापा ने आपके बच्चे को पैंपर पहनाने का ठेका नहीं ले रखा। नबील तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बीवी बोल रही है, ये काफी नहीं है? नबील महमूद साहब अगर आपने अपने बच्चे को यशी करानी है ना तो नौकरी करें, मैं अपने ससुर के पैसों पर यशी करने की इजाजत नहीं दे सकता। मत मोमो, शुमेला ने आज मुझे बड़ा वकील किया है। डील जलील? हाँ जी उसने मुझे वकील किया है जलील। कैसी बातें कर रही हो मोमो, बच्चे अगर बड़ों को बेइज्जत कर दे तो उसे जलील करना नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हो? अब देखो खूबसूरत ने मुझे भी तो नौकरी का ताना दिया ना, अब ये थोड़ी है कि मैं घर के सारे काम छोड़कर नाराज होकर जाके नौकरी कर लूं। अरे मोमो जब मालिक मकान किराएदार को जलील कर सकता है तो फिर वो तो हमारे बच्चे हैं, उनका हक है हमें जलील करने का। हाँ। मैं कुछ नहीं जानती, आप नौकरी कर लें जमशेद। महमूद? हाँ बेशक महमूद की नौकरी कर लें। अरे यार मैं तो पहले ही रिटायर हूँ, अब मुझे नौकरी कौन देगा? वो तो करके देखे ना। वो क्या? वही जो सब करते हैं। अरे वो तो मैं भी करता हूँ। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, चलाओ सोने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ कोशिश, आप नौकरी की कोशिश करके तो देखे ना। अरे मोमो मैं कोई तुम्हारी तरह जवान थोड़ा हूँ, मुझे कोई भी नौकरी पे नहीं रखेगा। तो फिर ठीक है मैं नौकरी करूँगी। हाँ मैं आपको नौकरी करके दिखाऊंगी। वो जो तुम मुझे करके दिखाओगी वो नौकरी होगी? मानी चाहिए तुम्हें नबील। किससे महमूद साहब? अपने आप से। आज मैं क्यूट लग रहा हूँ ना? बकवास नहीं करो, तुम्हारी माँ नौकरी करने जा रही है और तुम यहाँ बैठे हो। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ महमूद साहब, अगर माँ जी नौकरी कर सकती हैं तो तुम भी कर सकते हो। नहीं तो खूबसूरत भी नौकरी कर सकती है। क्या? हाँ महमूद साहब मैं ये नहीं होने दूंगा कि इस घर की एक औरत तो नौकरी करे मजदूरी करे और दूसरी घर में बैठ के अय्याशी करे। नबील? हाँ जानू। आके जरा चांदी को नहलाओ। अच्छा जानू, महमूद साहब आप चाय पी लें, मैं जरा चांदी को नहला लूं। हमारी कंपनी को एक जवान हसीन एयर होस्टेस की जरूरत है। विश्वाशी हाय लाजी। हाँ जी हेलो। कौन साहबा बात कर रही है? नहीं जी मैं साहबा बात नहीं कर रही, मैं नरगस बात कर रही हूँ। हाँ जी। कौन नरगस? हाँ जी मैं नरगस हूँ। मेरा मतलब आप हैं कौन? मैं लड़की हूँ। अरे भाई फोन किस लिए किया आपने? वो आपने अखबार में इश्तहार दिया है ना? जी जी। हाँ जी तो मैं नौकरी पक्की समझू? अरे पहले आकर इंटरव्यू तो दे भाई। हाय आप मेरा इंटरव्यू चलाएंगे? लाएंगे नहीं बीबी, इंटरव्यू लेंगे। अच्छा जी हाँ तो फिर मैं तैयार हूँ। आपकी उम्र कितनी है? थोड़ी सी है। अरे है कितनी? जी मेरी उम्र 10 जमा 10
उसमें और चार जमा और कर लें तो जरा इक्वल टू मैं जी 24 साल। और आपकी इंग्लिश? वो 15 साल की है जी। मेरा मतलब है मैं 15 साल की उम्र से ऐसी फ्रटे वाली अंग्रेजी बोल रही हूँ कि बस। बोल के दिखाएं। इंग्लिश। वेरी गुड। थैंक यू। आप ऐसा करें आज ही आकर इंटरव्यू दे दें। हुशवशी। अटेंशन प्लीज। सारे बेल्ट बांधो अपनी। यस। व्हाट आई गो टू टॉयलेट? जी जी मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। हेलो जी, मैं स्मीना फातिमा हूँ। लेकिन फोन पर तो आपने नर्गिस बोला था। किसको? मुझे। ओए लो, आप नर्गिस हैं? बैठिए। आपका वजन थोड़ा ज्यादा है। नहीं जी, ये आपकी कुर्सी में तेल डालने वाला हुआ है, ठीक हो जाना है सब। हाँ जी जी। हाँ हाँ जी। ये बताइए कि आपने पहले कभी मेजबानी की है? हाँ जी, वो शादियों से पहले जितने भी रिश्ते आते थे ना, सबका चाय पानी मैं खुद ही करती थी। वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड चाय देती थी मैं। आप शादीशुदा हैं? नहीं जी, मेरा बेटा शादीशुदा है। हैं? मैं कब से नौकरी पर आ जाऊँ? वैसे आप काफी इंटरटेनिंग है। बताए ना, मैंने साइन कहाँ करने? वो हम आपसे कल करवा लेंगे। कल हम आपको आपका काम भी समझा देंगे। तब तक आप ऐसे करें, घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। हिशवशी। माँ जी, माँ जी। खूबसूरत, तुम अपनी माँ को क्यों बुला रही हो? अपनी माँ को नहीं, तुम्हारी माँ को बुला रही हूँ। नबील, सोना अकेला यहाँ पे सो रहा है यार। हैं? महमूद साहब, महमूद साहब, क्या है यार, नबील सोने भी नहीं देते तुम। कैसे बाप हैं आप महमूद साहब? आपका बच्चा यहाँ अकेला सो रहा है और आप अंदर सो रहे हैं। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो नबील? महमूद साहब, मैं नहीं, आपका ये बच्चा, ये रहा, ये सो रहा है। मोमो कहाँ है? वो घर पर नहीं है। क्या? माँ जी सोने को छोड़कर कहाँ चली गई है यार? कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चली गई? किसको? अरे वो खुद घर छोड़कर तो नहीं चली गई नबील? माँ जी घर छोड़कर क्यों जाएंगी यार? तुम्हारी बीवी ने उसे इतना जलील किया था, इतना जलील किया था कि वो मुझे और सोने को छोड़ के कहीं चली गई है। खूबसूरत, अगर मुझे मेरी माँ ना मिली तो? तो क्या कर लोगे तुम? मैं पुलिस में जाके इत्तला करूंगा, और क्या। शराब नबी। ओके जानू। मामा। मैं हूँ साहब, खुदा का नाम माने यार। आहिस्ता बोले, वो रोना शुरू हो गया। पैसे? और किस बात के पैसे? माई टोल नहीं बुझाया है? तो मैंने तुझे डांस नहीं दिखाया है? चल निकल, दफा हो जाए इधर से। ओ यार माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? बेगैरत, गरीब, बेरोजगार इंसान, हट इधर से। माँ जी। चुप है। माँ जी, अरे मोमो तुम कहाँ चली गई थी सोने को छोड़ के? हैं? तो आप इसका ख्याल नहीं रख सकते थे? हाँ मत महमूद। हाँ तो आप इसका महमूद नहीं रख सकते थे? माँ जी आप गई कहाँ थी यार? नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। आप फैक्ट्री में काम करेंगी माँ जी? चुप है, तमीज से बात कर। मेरी जहाज में नौकरी लग गई है। जहाज में?
जहाज में क्या आप झाड़ू मारेंगी माँ जी? झाड़ू ते मैं मारूंगी तेरे मुंह ते। मेरी ना उसकी जॉब लगी है। किसकी? वो जो जहाज में होती है ना उसकी। अरे जहाज में कौन होती है नबील? ओ महमूद साहब, जहाज में तो बहुत सारे लोग होते हैं यार। वो जो जहाज में टिकट चेक करती है ना वो। जहाज में टिकट चेक करती है? हाँ, एयर होस्टल। ओ माँ जी, एयर होस्टेस? हाँ जी, एयर होस्टेस। अब मैं सारी दुनिया घूमूंगी। माँ जी, आप पानी वाले जहाज की बात कर रही हैं? चुप है, मैं उड़ने वाले जहाज की बात कर रही हूँ। आप पता लगा ना बच्चू हैं। माँ जी, आप जहाज में बाद में जाइएगा, पहले अपने बच्चे को तो संभाल लें। ए, मोमो क्यों संभालेगी? इसका बाप क्या मर गया है? क्यों मोमो? आप मेरे बाप हैं। अरे नहीं, इस बच्चे का बाप मैं पालूंगा इसे। तुम अपनी फ्लाइट की तैयारी करो। वैश्यवशे। ओ माँ जी, क्या कर रही है यार? एयर पॉकेट, एयर पॉकेट, एयर पॉकेट। ना मुझे ले, छोड़ दे। महमूद साहब, ये सोना आप पे नहीं गया? कैसी लग रही हो रफीक? महमूद। हाय महमूद लग रही हूँ। अरे यार, तुमने क्या जहाज में अंपायरिंग करनी है? नहीं। तो फिर ये क्या पहन रखा है तुमने? मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना। प्रैक्टिस? हाँ वही, मैंने ना इंग्लिश भी याद कर ली है। सुनाऊं आपको? सुनाओ सुनाओ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। है ना, अच्छी है ना। अच्छा ये बताओ कि दोपहर को क्या बोलोगी? किससे? मेरा मतलब है मोमो, दोपहर को इंग्लिश में क्या बोलोगी? अच्छा, गुड लेट मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा ख्याल है तुम हिंदी ही सीख लो। कृपया ध्यान दें, हमारा विमान उड़ान भरने वाला है। यात्रियों से प्रबंध है कि अपनी पेटियां तो कस लें जरा। है? यात्रा के दौरान खड़े होना हानिकारक हो सकता है। हैं? इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर से तो मैं बात करना पसंद नहीं करती। क्या हो गया माजी को? मैं तो पहले बिजनेस क्लास में बैठा हुआ हूँ, काम का मुझे इकोनॉमी का पैसेंजर बना दिया है। चुप कर जा बेबी, चुप कर जा। मामा जहाज पे गई हुई है, मामा पैरे से। अगली दफा हम भी मामा के साथ जाएंगे, हमारा भी गाड़ी लगेगा। चुप कर जा मामा, प्यार लेगी जाएगी। मामा जहाज से टोपिया चुरा के लाएगी, पेपर चुरा के लाएगी, लकड़ी के गिलास लाएगी। मुझे लगता है माँ जी बिल्कुल पागल हो गई। माँ जी पागल नहीं हुई, खुददार हो गई है। हाँ, वो तुम्हारी तरह घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रही, जॉब कर रही हैं। अभी जॉब मिली कहाँ है? तो मिल जाएगी। मेरी माँ जितनी मेहनत कर रही है ना, वो एक ना एक दिन एयर होस्टेस बन के दम लेंगी। पता नहीं कौन सी घटिया एयरलाइन में जॉब मिलेगी उन्हें। जानू, जब मेरी माँ को एयर होस्टेस की जॉब मिल सकती है, तुम भी तो पायलट बन सकती हो ना। खुद तो 5,000 की नौकरी नहीं होती तुमसे, और मुझे पायलट बनने का मशवरा दे रहे हो। तुम क्यों मेरी बेटी को मुझसे जुदा करना चाहती हो? मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ना ही मैं इसको छोड़ के कहीं जाऊंगा। क्या हुआ? मुझे लगता है इसने कपड़े गंदे कर लिए हैं। तो जाओ चेंज कराओ और हाथ के हाथ धो भी लेना। अच्छा जानू। हेलो। हाँ जी, सलाम अलैकुम, मैं बोल रही हूँ एयर होस्टेस शाजिया। मुमताज। आप मुमताज बोल रही हैं? उसका नाम मुमताज नहीं है। आज पासपोर्ट तो है मेरे पास, मैं चाह रही थी अब इंटरनेशनल पासपोर्ट बनाना, वो जिस पे सारे मुल्कों के वीजे लगे होते हैं ना। हाँ जी, ताकि मुझे कोई रोक ना सके। हाँ हाँ जी हाँ जी, ओके, थैंक यू, बाय। क्या कहा उन्होंने? किसने? अरे जिससे फोन पे बात हो रही थी। हाय अल्लाह जी, ये तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी आजम सदीकी। ये देखो, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं।
अच्छा हम ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मक्खन नहीं लगाया, अगर तुम कहती हो तो लगा दूं। चुप है, जल्दी से जाकर चाय लेकर आए, आज मेरी जॉब का ना पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। अभी लाया मैडम। वाह, आज तो नाश्ते में पराठे बने। खबरदार जो तुमने इसको हाथ लगाया। क्यों? ये मेरे लिए हैं। तो क्या मैं नहीं खा सकती आपके साथ? ओए अपनी औकात देख जमीला, कभी तूने जिंदगी में किसी एयर होस्टेस के साथ बैठ के वो किया? वो क्या? वही जो मैं कर रही हूँ। छिचोरपन। ये ले वो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। ये चाय इस गरीब को पिलाने औकात पीटी को। What? Oh you! चुप! Nobody is speaking English. I am the air hostess on in the big plane. You, why you talking English? You who you हाँ? You who? मोमो, आ मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँ। अच्छा नहीं चलेंगी। बस करो ना। Impressed by you me. The face. ये रात को खाने में क्या पकाऊं? वो मैं जॉब में खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। सोने के ना दूध का टाइम हो गया, मैं उसे दूध पिला। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए शेरवानी साहब ये मसला हो जाएगा हल। ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ, आइए बैठिए। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे साइन कर लें। देखें जी आप खुद ही कर लें, वो मेरा अंगूठा काम नहीं कर रहा आज जी। ये बताएं जी मेरी फ्लाइट कब कब की है? फ्लाइट? हाँ जी फ्लाइट बस आधे घंटे में निकलेगी। ओए ला जी, तो मैं इतनी जल्दी एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगी? बाहर बस खड़ी है, आप उसमें चली जाएं। तो वो मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी? नहीं जी, उसके रूट में एयरपोर्ट नहीं है। तो फिर मैं उस बस में क्यों जाऊं? अरे ये आपकी जॉब है भाई। हाँ? वो ऐसी वैसी बस नहीं है, वो हमारी एयर कंडीशन नई एयर बस है, उसी के लिए तुमने इश्तेहार दिया था। एयर होस्टेस का? नहीं, एयर बस के लिए होस्टेस का। एक महीने में तुझे बस में कंडक्टरी करने वाली लगती हूँ। अरे आप नाराज ना हो, आप चाहें तो हमारी लॉन्च में भी काम कर सकती हैं। हमने नई लॉन्च सर्विस शुरू की है किमाड़ी से मनोरा तक। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।